मोस्ट मैंने कभी अलग के बारे में पब्लिकली या अमन के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, बट ओवरऑल हम हैं तो इंसान ही और हम हैं भाई, और ह्यूमन बीइंग की तरह मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये मैसेज अलग तक और अमन तक पहुंचाओ। अलग पांडे, आई रियली यू नो रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम। मतलब एक बड़ा, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ वेदांतु प्लेटफॉर्म, तो क्या हो गया, हम लोगों ने बराबर शुरुआत की थी अलग पांडे और मैंने। मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोला जिंदगी में, और मेरी उससे दो बार बात हुई है, मैं दो बार बात की है मैंने उससे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब ही इज रियली गुड पर्सन एज वेल। तो और मुझे बड़ा अजीब लगा, आज मैं लाइव सेशन में ही बोल रहा हूँ कि एक वीडियो है जो कि चल रही है अलग पांडे और मेरी, कि मैंने अलग पांडे के लिए कुछ कह दिया और उसके लिए लोग हेटरेट पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यार। मतलब अलग पांडे मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, मैं भी अलग पांडे से बहुत अच्छे से बात करता हूँ, वी रिस्पेक्ट ईच अदर बेसिकली। और वो वीडियो एक्चुअली अलग पांडे के लिए थी ही नहीं, और एक दिन जब बात चल रही थी मैंने अलग को बोला कि यार ये तेरे लिए नहीं था एक्चुअली, वो किसी और कोई और चीज के लिए, लोगों ने मतलब लोगों को घुमा फिरा के बोलने की बहुत आदत होती है, तो वो वीडियो किसी ने ली और अलग पांडे से जोड़ दी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और मुझे बराबर बहुत अच्छे से याद है कि हम दोनों ने इक्वल प्लेटफॉर्म शेयर करके स्टार्ट किया था, और ऊपर वाले की कृपा है कि हम दोनों ही अभी YouTube पे अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंड ही इज डूइंग रियली गुड। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं अलग पांडे को देखता हूं कि व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। और इसी को बोलते हैं यार स्पिरिट, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं खुल के उसका आज मैं तारीफ करना चाहता हूं इस चीज को लेकर। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब एक बार ये मैसेज, वैसे मुझे जनरली मेरी बात नहीं होती है, आज मैं क्यों बोला उसके पीछे का रीजन है, मुझे वो वीडियो दोबारा दिखाई दे गई, जबकि मैंने ऐसा कुछ अलग के लिए कभी कहा ही नहीं, और वो भी मेरे लिए कभी नहीं बोलता, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने बीच में 2 से 3 बार हमारी बात हुई, तो मुझे पता है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, और ऐसा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा कुछ है ही नहीं और लोग जानबूझ के पता नहीं क्या क्या वीडियोस बनाते हैं, और अमन धत्रवाल जो अलग है, अमन है और मैं, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था, तो अमन इज रियली अमेजिंग, मेरी उससे काफी मोर और ऑफन बात होती रहती है, मतलब हम लोग अटैच्ड हैं, अमन से मेरी फ्रीक्वेंटली बात होती है, तो अमन आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और इतनी यंग एज में उस बंदे ने जो अचीव किया ना, दैट इज अमेजिंग। सो अमन, अलग, और मतलब यंग एज में, यानी कि हम तो काफी ओल्ड एज के, मतलब अमन के कंपैरिजन में हम लोग काफी लेट आए, बट हम लोगों ने साथ ही जर्नी शुरू की थी, अमन ने, अलख ने, मैंने, और हम लोगों ने एक साथ जर्नी शुरू की थी, और आज हम तीनों हैं और यूट्यूब की दुनिया में हैं, और हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इस चीज के लिए। मैं अमन के वर्क को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, और आई होप कि अमन, क्योंकि अमन से तो मेरी फ्रीक्वेंटली बात होती है, एंड हम लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते ही रहते हैं एक दूसरे की जर्नी के लिए, अमन से मेरी बहुत फ्रीक्वेंटली मैसेजिंग के थ्रू बात होती है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। सो अलग है, अमन है, मैं हूं, हमने साथ ही जर्नी शुरू की थी, और देखो ये है ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले की बात, तो और तब से लेके अब तक हम लोग अभी टिके हुए हैं, पर बस वही वाली कहानी है कि हम लोग चाहते कि और एजुकेटर्स आए और मजा आए और आगे तक जाए ये चीजें। तो इसी के साथ मैं कभी कभार सोचता हूँ, मैं मतलब हम लोग कलेबरेट करके सब साथ आए और सब यूट्यूब वाले ना एक दूसरे की हेल्प करें और आगे बढ़े जितना हम कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे यंग ब्लड हमसे इंस्पायर होता है, लिंक्डइन पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मतलब ऐसा लगता है, सुकून है दिल में कि हमने कुछ किया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है। तो इसलिए मैंने कल में जब मेरे पास ये न्यूज आई, चाहता तो मैं भी वीडियो बना देता, फटाफट से भाग के खड़े हो जाता, पर मैंने नहीं किया, मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा रुक जाता है, एक बार देख लेते हैं, क्यों फालतू पोखरे अलजी को परेशान करें, उनका नाम खराब करें, क्या मतलब है। चलो आज अपन इस सेशन को शुरू करते हैं, एंड मैं आप लोगों बच्चों से बोलूंगा कि आज ये जो वीडियो है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट मैंने कभी अलग के बारे में पब्लिकली या अमन के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बट ओवरऑल हम हैं तो इंसान ही और हम हैं भाई, और ह्यूमन बींग की तरह मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये मैसेज अलग तक और अमन तक पहुंचाओ कि हम लोग यूट्यूब के एजुकेटर्स हैं, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तमगा है, हम लोग मतलब टीचर और कॉम्पिटिटर से पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और टीचर और कॉम्पिटिटर से पहले हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी तो बनती है। तो मैं चाहता हूं आप लोग अलग तक अमन तक ये बात, ये मेरा मैसेज, एंड आई लव यू ऑल गाइज who are doing really good on YouTube, and not only on YouTube, who are actually giving the services to the students, wo bahut badi baat hai, and thank you so much to all the YouTube
एजुकेटर्स एंड नॉन यूट्यूब एजुकेटर्स हु आर डूइंग रियली गुड फॉर द स्टूडेंट्स. इतने ज्यादा इंग्लिश मेरे को आते नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा. बट ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच एन अमेजिंग यू नो वर्क ऑन यूट्यूब. और YouTube कम्युनिटी को ऐसे लोगों की जरूरत भी है भाई दबे, अलग के जैसे लोगों की. अलग ही इज रियली डूइंग गुड, अमन के जैसे लोगों की, एंड ऑब्वियसली और भी बहुत सारे एजुकेटर जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं उनका नाम लेना चाहता हूं लेकिन कभी कभार रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूं, बट दे आर रियली रियली डूइंग गुड. और कुछ एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन में हो गए तो क्या हो गया, बट ओवरऑल हम लोग दोस्त हैं. मतलब मैं तो उन्हें अपना दोस्त मानता हूं एंड दिल से यही चाहता हूं कि वो लोग इसी तरह से काम करते रहे और दूसरों को इंस्पायर करें ताकि दूसरे भी आए और बहुत अच्छा काम करें. एंड आई रियली सल्यूट दिस थिंग, है ना. तो आप लोग वादा करो कि ये मैसेज अलग तक, अमन तक और बाकी यूट्यूब कम्युनिटी तक पहुंचाओगे. और बस और तो मैं क्या ही बोलूं, आज के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है. बट चलिए स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच, आप लोग इतना 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 ज्यादा प्यार करते हैं सारे टीचर सारे एजुकेटर से. और क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो तो मैं चाहता हूं, मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप एक एक एजुकेटर जो YouTube पे पढ़ाने आता है ना उसको बहुत प्यार दो, ताकि आने वाला जो जनरेशन है, अब मेरा ख्वाब है, अब छोटे बच्चे तो रहे नहीं, अब बड़े हो गए, अब ऐसे सोचते हैं यार अभी 6-7 साल तो हो गए, नहीं पता नहीं आगे क्या करना है, तो अब हो सकता है और